क्वेश्चन है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गिवन सीरीज़ कन्वर्ज़ एब्सोल्यूटली कंडीशनली और डाइवर्जिज़ बेसिकली यहाँ पर हमें जो गिवन इन्फिनिट सीरीज़ है उसमें हमारे पास एक अन नाउन वैल्यू इन्वॉल्व है और हमें उस अन नाउन यानी कि एक्स की वैल्यूज़ फ़ाइड आउट करनी है जिनके लिए गिवन सीरीज़ हमारे पास क्या होगी एब्सोटली कन्वर्जेंट हो कंडीशनली कन्वर्जेंट हो या सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट हो तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का मैथड हमारे पास क्या है यानी कि हमें सीरीज़ एब्सोट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जें बनाने के लिए हमें जो है वो एक्स की वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट कर करनी है किवन सीरीज है हमारे पास मेशन वन टू इनफिनिटी एन एक्स रेज टू पार एन ओवर थ्री रेज टू पार एन लेट यहाँ पर हमारे पास ए एन क्या है एन एक्स रेज टू पार एन ओवर थ्री रेज टू पार एन यहाँ पर ए एन हमारे पास ये है आप देखें जरा ए एन में हमारे पास जो है एन जो है वो एक्सपोनेंट में इन्वॉल्व है जब हमारे पास ए में एन एक्सपोनेंट में इन्वॉल्व हो तो हम हमारे पास जो सूटेबल टेस्ट होता है वो हमारे पास रूट टेस्ट होता है यानी कि हम रूट टेस्ट अप्लाई करके यहाँ पर सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अप्लाइंग द रूट टेस्ट लिमिट एन अप्रोचेस टू तो इन्फिटी ए एन एप्सल्यूट वैल्यू पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सीरीज की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है वन ओवर एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन एक्स रेस्ट टू पार एन ओवर थ्री रेस्ट टू पार एन एब्सल्यूट वैल्यू रेस्ट टू पार वन ओवर एन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन रेस्ट टू पार वन ओवर एन एन टू यहाँ से हमारे पास एन और एन कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर से भी एन और एन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स ओवर थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर थ्री तो यहाँ पर हमारे पास जो ये लिमिट है लिमिट एन अप्रोचेज टू तो इन्फिनिटी एन रेज टू तो पार वन ओवर एन इसकी वैल्यू हमारे पास होती है वन ठीक है यहाँ पर हम जो क्वेश्चन में इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेंथ ही क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपने इसकी लिमिट पुट कर देनी है और ये हमारे पास होती है वन वन इन टू एक्स ओवर थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है अब आपके पास रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ गई है यानी कि लिमिट आपके पास क्या आ गई है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर थ्री तो रूट टेस्ट जो है उसकी कंडीशन हमें क्या कहती हैं कंडीशन आपके पास फर्स्ट क्या होती हैं उसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ आपके पास लिमिट क्या हो लेस देन वन हो और सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है जब आपके पास ये लिमिट क्या हो ग्रेटर देन हो ठीक है फर्स्ट कंडीशन है लेस देन वन हो यानी कि एक्स ओवर थ्री मॉर लेस देन वन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट if x over थ्री मोर greater than वन ठीक है और हमारे पास थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर ये लिमिट आपके पास इक्वल टू वन हो अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास अन इन्वॉल्व है तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये इक्वल टू वन है तो टेस्ट फेल हो जाएगा अब हमें जो है उस थर्ड कंडीशन को लेकर चलना है इफ़ एक्स ओवर थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू वन देन हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी ठीक है तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस थ्री तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट कब होगी जब आपके पास यहाँ से एक्स मॉड क्या होगा लेस देन थ्री होगा और यहाँ पे सीरीज़ डाइवर्जेंट कब होगी जब एक्स मॉड क्या हो ग्रेटर देन थ्री हो हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो तो है इन दो वैल्यूज़ पर मिल गई है कि अगर आपके पास एक्स मॉट लेस देन थ्री हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी एक्स मॉट ग्रेटर देन थ्री हो तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी अब हमें एक्स की इन दो वैल्यूज़ पे चेक करना है कि अगर एक्स इक्वल टू थ्री हो प्लस थ्री और माइनस थ्री हो देन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी तो ये चेक करने के लिए हमें जो है दो तो केस लेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री और एक्स इज ईक्वल टू माइनस थ्री ठीक है फर्स्ट केस हमारे पास क्या है केस वन एक्स इक्वल टू थ्री वैल्यू को हम लोग गिवन सीरीज़ में पुट करेंगे ठीक है जब एक्स इज इक्वल टू थ्री यहाँ पर पुट करते हैं गिवन सीरीज में तो आपके पास यहाँ पे सीरीज क्या बनती है वन टू इन्फिनिटी एन एक्स रेज एक्स इज इक्वल टू थ्री तो थ्री रेज टू पार एन ओवर थ्री रेज टू पार एन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ए एन क्या आ जाएगा एन आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हमें इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम देखें यहाँ पर डाइवर्जेंस टेस्ट जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट की स्टेटमेंट ये है कि अगर आप ए एन पर लिमिट अप्लाई करें एज एन गोज टू इन्फिनिटी देन आपके पास आंसर लिमिट जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए अगर जीरो नहीं है जीरो के अलावा कुछ भी आपके पास लिमिट है चाहे वो इन्फिनिटी है या कुछ और भी है तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस टेस्ट तो इसके यहाँ पर हम जो है वो डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं लिमिट यानी कि आपके पास एन जो है आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा तो यहां पर सीरीज क्या है डाइवर्जेंट है हैजेंट सीरीज एज डाइवर्जेंट ठीक है तो ये सीरीज जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट आ गई है यानी कि जो गिवन सीरीज़ है एक्स ही किन वैल्यूज़ के लिए डाइवर्जेंट है एक तो आपके पास डाइवर्जेंट है ग्रेटर एक्स मॉट ग्रेटर देन थ्री के लिए और एक डाइवर्जेंट आपके पास आ गई है एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए ठीक है तो आप कह सकते हैं कि सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट है फॉर एक्स मॉट ग्रेटर और इक्वल टू थ्री पे ठीक है ये हम रिजल्ट जो है वो एंड पे लिखेंगे अभी हमें सेकंड केस चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हो देन हमारे पास लिमिट जो सीरीज़ है वो क्या बनती है सेकंड केस हमारे पास ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री तो गिवन सीरीज़ देखिए हमारे पास बनेगी समेशन वन टू इन्फिनिटी एन माइनस थ्री रेस टू पावर एन ओवर थ्री रेज टू पावर एन तो सीरीज़ हमारे पास क्या बनती है वन टू इन्फिनिटी एन इन टू माइनस वन रेज टू पावर एन थ्री रेज टू पार एन ओवर थ्री रेज टू पार एन ठीक है यहाँ से हम माइनस वन जो है वो अलग कर सकते हैं थ्री एन और थ्री एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो सीरीज़ आपके पास ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है यहाँ पर माइनस वन रेज टू पार एन इन एन ठीक है लेट यहाँ पर ए एन क्या है एन है आल्टरनेटिंग सीरीज हो तो हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले ए एन पे ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू पे आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो यहाँ पर हम जो है वो डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले अप्लाई किया तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करने से सीरीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी डाइवर्जेंट आ जाएगी ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचे टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हैजेंट अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो देन हम कहते हैं कि सीरीज हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है क्योंकि हम एब्सोलूट वैल्यू पे ही टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं ठीक है अगर जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू पे टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट आए देन हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं ठीक है तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि सीरीज़ क्या होनी चाहिए नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन ये होती है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिटी ए एन एन का लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास लिमिट क्या चाहिए? आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए ठीक है यानी कि आंसर आपके पास जीरो आना चाहिए लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों कंडीशन ही सैटिफाई नहीं होंगी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन लिए हम एन को रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ और इसका फंक्शन लेंगे एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लें विच इज इक्वल टू वन और ये क्या है लेस देन जीरो नहीं है ठीक है तो नेगेटिव नहीं है इस वजह से यहाँ पर जो सीरीज है फंक्शन जो है वो नॉन uh, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेटिस्फाई नहीं हो रही ठीक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड डाइवर्जेंट अगर तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो यहाँ पर सीरीज हमारे पास क्या होती कंडीशनली कन्वर्जेंट होती पहले सीरीज डाइवर्जेंट है और यहाँ पर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती लेकिन अगर दोनों टेस्ट अप्लाई करने से सीरीज डाइवर्जेंट आए तो सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट ही होती है अब सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट एक्स की किन वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है और एक्स की किन वैल्यूज के लिए डाइवर्जेंट है ूटली कन्वर्जेंट फॉर फॉर एक्स मॉड यहां पर अगर आपको सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कन्वर्जेंट यहां पर लिखा हुआ है बेसिकली यहां पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्योंकि यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं यहां पर तो सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी एक्स मॉड लेस देन 3 के लिए और सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट है है अब चूंकि पर सीरीज हमारे पास आई है, तो सीरीज किन वैल्यूज के लिए डाइवर्जेंट है यहाँ पर देखें एक्स मॉट ग्रेटर देन थ्री है इन वैल्यूज के लिए सीरीज डाइवर्जेंट है और दूसरा एक्स की वैल्यू प्लस थ्री के लिए भी सीरीज डाइवर्जेंट आई है हमारे पास और माइनस थ्री जब हमने केस लिया तो भी सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट ही आई है यानी कि प्लस थ्री और माइनस थ्री दोनों पे सीरीज़ हमारे पास क्या आई है डाइवर्जेंट आई है और एक्स मॉट ग्रेटर देन थ्री के लिए भी सीरीज डाइवर्जेंट है तो यहाँ पर आपके पास सीरीज़ इज डाइवर्जेंट फॉर एक्स मॉट एक तो ग्रेटर देन के लिए और एक आपके पास इक्वल टू थ्री के लिए ठीक है यहाँ पर इसमें प्लस थ्री और माइनस थ्री दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी और ग्रेटर वाली भी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी तो इस तरह हमारे पास इन वैल्यूज़ के लिए सीरीज़ इनके लिए सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और इसके लिए सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास एसमेशन वन टू इन्फिनी एक्स एन ओवर के रूट ऑफ एन एन यहाँ पर हम क्या लेंगे एक्स पार एन ओवर के रूट ऑफ एन देखें यहाँ से हम यहाँ पर रेशो टेस्ट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं ईजिली अप्लाई करके तो यहाँ पर हम जो है वो रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ठीक है उसके लिए हमें ए एन प्लस वन टर्म uh, चाहिए तो एन प्लस वन जो है वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास एक्स रेस्टोपार एन प्लस वन ओवर स्केर रूट ऑफ एन प्लस वन अब यहाँ पर हमें जो भी टेस्ट अप्लाई करना होता है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे अप्लाई करना है ठीक है ये बात आपने जहन में रखनी है तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू पे रेशो टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे लिमिट एन अप्रोचेज टू तो इनफिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन एब्सलियूट वैल्यू ठीक है यहाँ पर जो है वो आपने वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पर देखें एक्स एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स एन इंटू एक्स तो यहाँ से एक्स एन और एक्स एन कैंसिल आउट हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया कि स्केयर रूट ऑफ एन जो है वो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर वन प्लस वन ओवर एन स्केयर रूट हो जाएगा ये वैल्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी अब यहाँ पर आपके पास सिंपली क्या बचा है एक्स ओवर वन प्लस वन ओवर एन लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा एक्स ओवर वन ओवर इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास यानी कि आपके पास सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू है वो है एक्स मॉड ठीक है एक्स मॉड वैल्यू जो फाइनली यहाँ पर हमारे पास आ गई है ये रेशो टेस्ट है रेशो टेस्ट की कंडीशन के मुताबिक फ़र्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होती है अगर आपके पास ये वैल्यू क्या हो लेस देन वन हो ठीक है और इसी तरह से सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होती है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो तो लिहाजा सीरीज एज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट क्योंकि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू पे हमने टेस्ट अप्लाई किया है ठीक है तो सीरीज इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ एक्स मॉड लेस देन वन ठीक है और सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी अगर एक्स मॉड क्या हो ग्रेटर देन वन हो नेक्स्ट आपके पास है थर्ड जो कंडीशन है वो होती है कि अगर आपके पास एक्स मॉड इक्वल टू वन हो इफ एक्स मॉड इज इक्वल टू वन देन आपके पास एक्स की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी प्लस माइनस वन एक्जैक्टली एक्स इज़ इक्वल टू वन और माइनस वन के लिए चेक करना है कि इन वैल्यूज़ पे सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट आती है या डाइवर्जेंट आती है एक्स इज़ इक्वल टू वन हो तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो हो जाएगी वन टू इन्फिनिटी वन ओवर के रूट ऑफ एन ठीक है यानी कि ए एन आपके पास आ जाएगा वन ओवर एन रेस टू पावर वन ओवर टू ठीक है अब यहाँ पर हम जो है वो रेशो टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपके पास दो सीरीज होनी चाहिए तो बी एन सीरीज़ आपके पास यहाँ पर क्या आएगी वन ओवर एन रेस टू पावर वन बाय टू लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट अप्लाई करें लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन एप्सल्यूट वैल्यू इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एन आपके पास है वन ओवर एन रेस टू पार वन बाई टू एन टू एन रेस टू पार वन बाई टू यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन टू वन विच इज़ इक्वल टू वन अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए ठीक है वन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो तो उसकी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर आपके पास लिमिट जो है वो जीरो ना आए देन आपके पास वो दीरीज बिहेव लाइक ठीक है दोनों सीरीज जो है वो एक ही तरह बिहेव करती हैं तो देन हम, हम चेक करते हैं बी एन सीरीज़ को कि बी एन सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं पी सीरीज टेस्ट तो पी सीरीज टेस्ट क्या है कि अगर आपके पास जो p की वैल्यू है वो लेस देन वन हो ठीक है लेस आर इक्वल टू वन हो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होती है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन हो सीरीज देन कन्वर्जेंट होती है तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू है ये लेस देन वन है ठीक है वन बाई टू लेस देन वन है तो सीरीज़ यहाँ पर क्या है डाइवर्जेंट है बी एन सीरीज डाइवर्जेंट है तो ए एन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी सीरीज इज डाइवर्जेंट सेकेंड केस हमारे पास है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बुट करें तो आपके पास सीरीज़ बन जाती है वन टू इन्फिनी माइनस वन रेज टू पार एन ओवर स्केयर रूट ऑफ एन ठीक है तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे हम एप्सल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस चेक करते हैं उसका मैथड हमारे पास क्या है कि फर्स्ट आपने इसकी ए एन वैल्यू पर ठीक है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पर कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है ए एन वैल्यू हमारे पास है वन ओवर के रूट ऑफ एन ठीक है देन हमने अगर हमारे पास ये कन्वर्जेंट आएगा तो सीरीज़ एब्सल्यूटली कन्वर्जेंट होगी अगर ये डाइवर्जेंट आएगा तो हम जो है वो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे ए एन जो है अब हमने चेक कर लिया कि सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट आती है ठीक है लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सीरीज़ क्या आ जाएगी डाइवर्जेंट आ जाएगी तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है ठीक है आप कह दें कि सीरीज़ यहाँ पर क्या है डाइवर्जेंट है सीरीज इज डाइवर्जेंट अप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम पहले यहाँ पर चेक कर चुके हैं ठीक है बाई लिमिट कम्पेरिजन टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट इतना लिख दें तो ये काफ़ी है अब हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसकी फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है कि सीरीज क्या होनी चाहिए नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो यहाँ पर एन को रिप्लेस करें एक्स के साथ और फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लेस टू पार वन बाई टू फर्स्ट डेरीवेटिव इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स प्रेस टू पार माइनस थ्री बाय टू ठीक है अब आपके पास यहाँ पर माइनस साइन है तो ये क्या है लेस देन जीरो है फर्स्ट कंडीशन आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की सेटिस्फाई हो गई है तो अब हम सेकेंड कंडीशन पर जाएंगे लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन ओवर के रूट ऑफ एन सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि ये लिमिट आपके पास क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर वन ओवर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास आ गई है जीरो ठीक है दोनों कंडीशन सेटिसफाई हो गई हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिसफाई हो चुकी हैं तो आपके पास सीरीज़ क्या होगी ये जो सीरीज़ है ये आपके पास कंडीशनली कन्वर्जेंट है ठीक है पहले आपके पास जो सीरीज़ ए एन पे एब्सोल्यूट वैल्यू पे आपने टेस्ट अप्लाई किया तो आपके पास सीरीज डाइवर्जेंट आई और जब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई किया तो सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट आ गई है तो सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये है कि हमारे पास जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है सीरीज वो सिर्फ इस एक वैल्यू के लिए हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है यानी कि एक्स मॉड लेस देन वन के लिए सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर एक्स मॉड लेस देन वन ठीक है और डाइवर्जेंट चेक करें तो एक तो आपके पास डाइवर्जेंट है एक्स मॉट ग्रेटर देन वन के लिए और एक आपके पास डाइवर्जेंट है इक्वल टू वन के लिए ठीक है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है फॉर एक्स मॉट एक तो ग्रेटर देन वन के लिए और इक्वल टू वन के लिए ठीक है और कंडीशनली कन्वर्जेंट है कंडी कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है सिर्फ इस एक वैल्यू पे सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है एक्स इज इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन के लिए आपके पास सीरीज डाइवर्जेंट है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो है वो एक्स मॉट लेस देन वन पे है ओके okay, जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्वेषन जीरो टू इन्फिनिटी फोर रेस टू पार एन ओवर एक्स रेस टू पार एन ठीक है यहाँ पर हमें जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंडीशनल कन्वर्जेंस जो है वो चेक करना है अब तक आपको मेथड समझ में आ गया होगा ठीक है तो इस क्वेश्चन में मैं समराइज करती हूँ मेथड को सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोई भी सूटेबल टेस्ट जो है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे अप्लाई करना है ठीक है तो यहाँ पर हम मोस्टली यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे रूट टेस्ट तो रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन रेस्ड फॉर वन ओवर एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी फोर रेस्ट टू पार एन ओवर एक्स रेस टू पार एन एब्सल्यूट वैल्यू रेस टू पार वन ओवर एन तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी फोर ओवर एक्स ठीक है यानी कि लिमिट आपके पास आ गई है एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ फोर ओवर एक्स ठीक है सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होगी जब आप रूट टेस्ट आप, आ, अप्लाई करते हैं तो रूट टेस्ट के लिए सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी कन्वर्जेंट फॉर लेस देन वन ठीक है और सीरीज विल बी डाइवर्जेंट फॉर फोर ओवर एक्स मॉड ग्रेटर देन वन ठीक है अब हमें एक्जैक्टली फोर ओवर एक्स मॉड इक्वल टू वन पे चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इफ फोर ओवर एक्स मॉड इक्वल टू वन इम्प्लाइज दैट एक्स ओवर फोर मॉड इक्वल टू वन एम्प्लाइज एक्स मॉड इक्वल टू फोर यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी फोर मॉट लेस देन एक्स मॉड ठीक है और यहाँ से आएगी फोर मॉड ग्रेटर देन एक्स मॉड और यहाँ पर आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आई हैं प्लस माइनस फोर ठीक है plus, 4, अब एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर पर हम चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू फोर फोर के लिए आपके पास जो सीरीज़ बनेगी ए एन इज़ इक्वल टू फोर रेज टू पार एन ओवर फोर रेस्ट टू पार एन विच इज़ इक्वल टू वन ठीक है तो यहाँ पर आपके पास जो ए एन है उसमें आपके पास जो टर्म है वो है वन ठीक है यहाँ पर आप डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं डाइवर्जेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे तो अगर आपके पास आंसर जो है वो जीरो ना हो तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस टेस्ट सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट होती है बाय डाइवर्जेंस टेस्ट ट तो एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू वन ही आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो सीरीज इज डाइवर्जेंट ठीक है सीरीज आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है सेकेंड केस है एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर समेशन जीरो टू इन्फिनिटी फोर रेज टू पार एन ओवर माइनस फोर रेज टू पार एन विच इज इक्वल टू स्मेशन जीरो टू माइनस वन रेज टू पार एन ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है ठीक है अल्टरनेटिंग का मेथड आपको पता है कि हम क्या करेंगे ए एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे विच इज इक्वल टू वन ठीक है तो ये अगेन जो है बाय डाइवर्जेंस टेस्ट ये क्या होगी डाइवर्जेंट होगी ठीक हैजेंस टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट अगर हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट आती है तो हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं ठीक है नाउ अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज होनी चाहिए ठीक है तो ए एन जो है वन है ठीक है यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी अगर आप सेकंड कंडीशन देखें आपके पास यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव अगर सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन क्या होती है लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू वन विच इज़ नॉट इक्ल टू अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि आपके पास ये लिमिट लाजमी ज़ीरो होनी चाहिए अगर ज़ीरो नहीं है तो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग सीरीज़ क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी तो इस तरह से सीरीज़ आपके पास क्या है डाइवर्जेंट है सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट तो फाइनली रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा कि सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब है जब आपके पास एक्स मॉड क्या हो ग्रेटर देन फोर हो ठीक है सीरीज आपके पास एब्सोलूटली कन्वर्जेंट है फॉर एक्स मॉड ठीक है एबसोल्यूटली कन्वर्जेंट है फॉर एक्स मॉड ग्रेटर देन फोर और नेक्स्ट हमारे पास किन वैल्यूज के लिए सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट एक हमारे पास है एक्स मॉड लेस देन फोर के लिए ठीक है डाइवर्जेंट फॉर एक्स मॉड लेस देन फोर ठीक है इक्ल टू फ के लिए और माइनस फोर के लिए दोनों वैल्यूज़ के लिए सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है तो यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ जाएगा लास्ट पे अगर आप देखें आपको जो गिवन सीरीज़ है ठीक है ये हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स है ठीक है अगर डिनोमिनेटर में एक्स है तो एक्स इज़ इक्वल टू जीरो पर सीरीज़ जो है ये क्या होगी अनडिफाइंड होगी यानी कि एक्स इज़ इक्ल टू जीरो पर भी हमारे पास ये गिवन सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स मॉड जो है ग्रेटर देन जीरो पर भी ये गिवन सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट होगी